Okay. हमारी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है इमेजिन मीट्स और बेरूट और इमेजिन मीट्स। बेरूट एक लेबनीज रेस्टोरेंट है मुंबई में। मुंबई में इनके 5 रेस्टोरेंट्स हैं और इनकी एक और चेन है हिचकी, जो फन यू नो प्रोडक्ट्स देते हैं, डिशेस देते हैं। तो इमेजिन मीट्स बेरूट ये कोलैबोरेशन में इनका नया वीगन मेन्यू या प्लांट बेस्ड मेन्यू हम लोग आज फूड टेस्टिंग कर रहे हैं, जल्दी लॉन्च ही करेंगे। तो उसी की आज फूड टेस्टिंग है, वेरी एक्साइटेड। क्या होता है कि हम लोगों ने जब लॉन्च किया, रिटेल गए हम, फिर हमारा सबसे बड़ा लॉन्च स्टारबक्स के साथ था, ऑल इंडिया उनके साथ टाई अप था, सो दैट रिस्पॉन्स इज बीन ट्रेमेंडस। पर वो खाना अलग है, ये लेबनीज फूड है। तो क्या होता है कि हमारे जो बेसिकली हम जो प्लांट बेस्ड मीट्स बनाते हैं उसे अलग अलग क्विजीन में अलग अलग तरीके से हम लोग पेश करते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड कि रेस्टोरेंट चेन्स होटल्स के साथ हम कोलैबोरेट करें और उनको जो उनके शेफ्स और हमारे शेफ्स, उनके फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट कैसे कोलैबोरेट करके लोगों के लिए नया मेन्यू दे सकते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली प्लांट बेस्ड। मैम, व्हाट यू लाइक टू से, बिकॉज़ इसके पहले भी हमने देखा स्टारबक्स को भी जब आपने प्रमोट किया था वेगन फूड, लाइक व्हाट इज डिफरेंट इन दैट, बिकॉज़ मुंबई का दे शुड नो व्हाट इज वेगन एंड व्हाट इज डिफरेंट इन दैट। I think the idea being that you can use plant-based food in different kinds of forms. So whether it is Lebanese, whether it is fast food, whether it is nuggets, whether you can use it across all boards. So I think that's the idea, whereas a company Imagine Meats is trying to push it. And thankfully someone like Beirut has put it together, and I think they've done a fabulous job of using the meats and exploring a different kind of cuisine. और जैसे आपने कहा कि वीगन फूड, यानी हम लोग जब वीगन की बात करते हैं ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव है। नहीं, सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ है। दाल भाजी, दाल भाजी, भात या राइस, चावल, भिंडी, ये सब जो वेजिटेरियन है जिसमें घी नहीं है और दही नहीं है या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है वो वीगन है। तो इतना ऐसा कुछ नहीं, वो वीगन मतलब कुछ बाहर की दुनिया से आया, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बेसिकली जो वेजिटेरियंस है, अगर हम लोग अपने खाने में से अगर घी को निकाल दें या मिल्क प्रोडक्ट्स को निकाल दें तो वीगन बन जाता है। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस नहीं है।
साथ ही हाल ही में हमने देखा आपके सोशल मीडिया पोस्ट के आपके कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, प्लान ए प्लान बी, एज वेल एज रिसेंटली आपने जो डायरेक्ट की थी वेड जी, इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है सभी की तरफ से, सो जानना चाहेंगे। नहीं, वेड क्या था कि जिनेलिया एक्चुअली आई थिंक आफ्टर 10 ईयर्स इनकी आखिरी फिल्म मेरे साथ ही थी, तेरे नाल लव हो गया, तो मुझे 3-4 साल से लग रहा था कि शी शुड नाउ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, शी वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट फैमिली, अब मुझे आई हैव बीन फोर्सिंग कि उनको अभी यू नो फिल्मों में काम कर रहे हैं, फाइन एक्टर, और जब मैंने डिसाइड किया कि वेड एक मराठी फिल्म है जो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, और जिनेलिया ने क्या है कि हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये 5 लैंग्वेज ऑलरेडी कर चुकी हैं पर मराठी नहीं की थी, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मराठी फिल्म हो और उसे मैं डायरेक्ट करूं, तो शी वाज ग्रेशियस इनफ टू अग्री टू बी डायरेक्टेड बाय मी। सो वेट, अभी मैं 1-2 हफ्ते में डेट लॉन्च अनाउंस करूंगा कौन से दिन करना है। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि अलग ही फिल्म है, एक रोम कॉम है जो डिजिटल में जब आप घर पे बैठ के आराम से देखना चाहते हो वैसी वो फिल्म है, इट्स क्वर्की फिल्म, और मुझे लगता है कि तमन्ना के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। एज वेल एज वी हैव रिसेंटली सीन इन अमेज़न मिनी टीवी जिसका बहुत ही अच्छा जो कॉमेडी पूरा कॉन्सेप्ट था, सभी को बहुत पसंद आया, कैसा सभी की तरफ से कमेंट्स हैं? आई थिंक इट्स बीन ग्रेट, ऑल द थिंग्स हैव बीन एक्साइटिंग, बट आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है बेरूट और इमेजिन मीट्स का कोलैबोरेशन। लास्टली एनी मैसेज टू द ऑल द फैंस? नो, आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर एक्शन, यू नो ग्रेट प्लान बेस्ड, यू शुड गो एंजॉय।